घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? क्यों रीमेक्स को मंजूरी दे दी राजीव ने? क्या सलमान करेंगे खुद का रीमेक? क्यों रीमेक्स के खिलाफ है ऑडियंस? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूँ फिल्म त्रिदेव 2 से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं बातों का सिलसिला। 90 के दशक का शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने मोहरा, गुप्त और विश्वथामा जैसी फिल्में न देखी हो। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर राजीव राय दर्शकों से लाइमलाइट से दूर है। मोहरा के टिप टिप वर्षा को रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी के लिए अभी बनाया गया था। आपको बता दें कि फिल्म निर्माता ने कहा कि वह सामान्य रूप से रीमेक्स की अवधारणा के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने अपनी सहमति दी क्योंकि ये उद्योग के लिए एकजुट रहने और एक दूसरे का समर्थन करने का समय था। उन्होंने कहा, मैं रीमेक्स में विश्वास नहीं करता, मैंने इसे कभी नहीं किया और ना ही करूंगा। इस बार मैंने एक अपवाद बनाया है। फैंस उन्हें कैमरे के पीछे वापस देखने के लिए काफी बेताब है। आपको बता दें कि सलमान खान किस तरह से त्रिदेव का रीमेक बनाना चाहते थे, इसको लेकर कुछ चर्चा थी। ऐसा लगता है कि अगर रीमेक किया गया तो राजीव राय ही करेंगे। मेकर्स ने कहा कि वह अपनी खुद की फिल्मों का रीमेक बनाने के पक्ष में नहीं थे, और अगर कुछ बरकरार रखा जाएगा तो ये सिर्फ शीर्षक होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने 90 के दशक के क्लासिक्स में हिट गाने के बजाय नए गाने भी लिए। बता दें, राजीव राय ने कहा कि उन्होंने ये सब सलमान खान को बताया और वह इस पर राजी हो गए। ऐसा लगता है कि वह एक नए स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और सुपरस्टार इसे लेकर काफी उत्साहित है। राजीव राय ने कहा, मैं भी अपनी नई फिल्मों में अपने पुराने गानों के इस्तेमाल के बिल्कुल खिलाफ हूँ, और मैंने ये बात सलमान को बताई और वो इसके लिए राजी हो गए। मैंने उन्हें नई स्क्रिप्ट के बारे में बताया और वो इसके बारे में काफी उत्साहित भी थे। हम उम्मीद करते हैं कि हम काम करेंगे इस पर जल्द ही। पहले चर्चा हो रही थी कि वो सनी देओल की जगह कदम रखेंगे। ये वाकई काबिले तारीफ है कि कैसे राजीव राय हर पहलू में एक मूल फिल्म बनाने की योजना बना रहे हैं। दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा रीमेक्स के कॉन्सेप्ट से नाराज है, चाहे वो फिल्म हो या गाने। हमें उम्मीद है कि राजीव राय के साथ सलमान खान की फिल्म जल्द ही फ्लोर पर जाएगी। अब देखते हैं कि फिल्म दर्शकों को कितनी ज्यादा पसंद आती है और क्रिटिक्स को कितना घुमाती है। आशा करते हैं कि आपको आज के वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।